नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, गुड इवनिंग इंडिया। मंडे एडिशन में आप सभी का स्वागत है। और कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर खूबसूरत हो तो सफ़र बहुत खूबसूरत रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि चीज़ें हमारे मुताबिक होती नहीं और हमें उनके मुताबिक अपने आप को ढालना होता है, संभालना होता है, समझाना होता है। हम सब जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो भूकंप आया, ऐसी त्रासदी, ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसने सबका दिल दहला दिया। हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसे अवसरों का भी सामना करना पड़ता है जो दिल दहलाने वाले होते हैं। शनिवार की सुबह भी हर दिन की तरह आम सुबह थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। हंसते मुस्कुराते बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक की खुशियां कुछ ही मिनटों में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। धरती हिली, 7.9 तीव्रता का भूकंप आया और पड़ोसी मुल्क नेपाल सहित भारत के कई हिस्सों में पसर गया मातम। हजारों लोग जो किसी न किसी प्रकार अपने अपने भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे वो काल के गाल में समा गए। भारी तबाही हुई, लाखों बेघर हो गए। भूकंप आया, उसके साथ हम लोग भागे, बिल्डिंग वॉल गिर गया, उसके बाद में पैर दबा गया। ठंडू से आ रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं। बहुत सारे परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया तो कुछ के हिस्से बचे सिर्फ और सिर्फ आंसू। इस बेहद मुश्किल परिस्थिति में भारत प्रभावित लोगों और खासकर नेपाल के सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से बात की और विश्वास दिलाया है कि 125 करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर है। 34 डॉक्टर और पैरामेडिक्स की एक टोली सुबह रवाना हो गई है, बाई एयर वो काठमांडू गए हैं और उसमें 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन, 2 एनेस्थेटिस्ट और साथ में पैरामेडिक स्टाफ, ये सारे का सारा वहाँ पहुँच चुका है। 15 मेट्रिक टन दवाइयाँ यह भेजी जा चुकी हैं। वहाँ फंसे भारतीयों को लाने के लिए अतिरिक्त विमानों का प्रबंध किया गया है। ये प्रयास लगातार जारी है। भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में प्रयासरत है। कंपीत भारतीय सेना में आ रहे हैं, उनके लिए, उनके असिस्टेंस के लिए हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और इसके साथ साथ हम उनके लिए पानी और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रभावितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सहायता के लिए हर कोई अपने अपने स्तर से सहयोग देने की कोशिश कर रहा है। खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का और जितने भी जैसे भारत के गृह मंत्री जी का सीधा हमसे भी बात संपर्क हुई है, हमारे राष्ट्रपति जी से भी संपर्क हुआ है प्रधानमंत्री जी का, तो आप लोगों ने यही कहा है कि नेपाल की इस दुख की स्थिति में भारत सरकार और हमारे जैसे आपके व्यक्तिगत हर किस्म का सहयोग हम करने को तैयार हैं। इस नाते हम इसके प्रति नेपाली जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहेंगे। भारत के कुछ हिस्सों में भी भूकंप का असर पड़ा। यहाँ भी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जान माल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में जो लोग चले गए उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो मुश्किल में हैं उनकी पीड़ा कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। भारत सरकार के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों की कोशिशों ने इस बात को फिर
सच साबित कर दिया है कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और इस चुनौती के बाद भी जीवन का सफर जारी रहेगा। वाकई एक एक तस्वीर दिल दहलाने वाली और लगता है कहीं ये सब देखकर मानवता भी रो रही है। नेपाल में भूकंप आया, भारत ने एक अच्छे पड़ोसी के नाते न सिर्फ हाथ बढ़ाया मदद के लिए बल्कि समझा नेपाल वासियों के दुख को, उनकी तकलीफ को। और प्रयास यही है कि जितना हमसे बन पड़े हम वहाँ पर लोगों का सहारा बने, उनकी मदद करें, इस दुख की तकलीफ की घड़ी में उनका साथ दें और उन्हें यह एहसास कराएं कि जो कहा जाता है कि आपका जो सच्चा पड़ोसी है उसकी पहचान यही है कि जब कोई आपदा, कोई तकलीफ आप पर आए तो हम मदद के लिए तत्पर रहें। ज़ोहरा सहगल भारतीय रंगमंच और बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी बहुआयामी प्रतिभा से लंबे समय तक कला प्रेमियों के दिलों पर राज किया। आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्म लेने वाली ज़ोहरा जब कॉलेज में पढ़ती थी तब से ही उन्हें उदय शंकर और साथियों के नृत्य नाटिका ने प्रभावित किया। ज़ोहरा जल्द ही इस नृत्य समूह का हिस्सा बन गईं और देश विदेश में अपनी प्रस्तुति से अलग पहचान बनाई। रंगमंच में दिलचस्पी होने के कारण ज़ोहरा 1945 में उस समय के मशहूर पृथ्वी थिएटर और इप्टा से जुड़ गईं। बॉलीवुड और ज़ोहरा का नाता भी बेहद दिलचस्प रहा। फिल्मों में ज़ोहरा का सफर 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में आई फिल्म धरती के लाल से शुरू हुआ। हम दिल दे चुके सनम, कभी खुशी कभी गम, चलो इश्क लड़ाएं, कल हो ना हो, वीर जारा और चीनी कम ज़ोहरा की प्रमुख फिल्में रहीं। अंतिम बार वो रुपहले पर्दे पर फिल्म सांवरिया में नजर आईं। ज़ोहरा उन गिने चुने कलाकारों में एक रही जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणवीर कपूर तक कई पीढ़ियों के साथ काम किया। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 102 वर्ष की उम्र में 10 जुलाई 2014 को ज़ोहरा हम सबको अलविदा कह गई। वो भले ही आज नहीं हो लेकिन उनकी खूबसूरत यादें लंबे समय तक हम सबके जहन में बनी रहेंगी। साहिबजादी ज़ोहरा बेगम मुमताज़ उल्ला खान, जिन्हें हम ज़ोहरा सहगल के नाम से जानते हैं और प्यार से उन्हें ज़ोहरा आपा कहते हैं। आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल को 1912 में उनका जन्म हुआ सहारनपुर में। और वाकई वो अपनी मिसाल आप हैं। उम्र के लिहाज से बात की जाए तो अमूमन ये आशीर्वाद दिया जाता है कि 100 साल जियो। वो ऐसी शख्सियत रहीं, ऐसा व्यक्तित्व रहीं जिन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। और जब उनकी हम बात करते हैं तो यकीन जानिए कि इतना कुछ है उनके बारे में बात करने के लिए कि सिरे और सिलसिले, कड़ियाँ बस जुड़ती चली जाती हैं। इसीलिए हमने आज स्टूडियोज़ में उनके बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया है एमके रैना जी को। आप जाने माने एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ज़ोहरा आपा की बात करें, क्या चीज़ सबसे पहले जहन में आती है उनके नाम के साथ? डिटर्मिनेशन, अमेजिंग वुमन। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से मतलब अगर आप पीछे उनकी ज़िंदगी की तरफ देखेंगे कि 30s में वो बाय रोड यहाँ से यूरोप गई जी, और वो जो उसका पूरा डिटेल है वो इतना अमेजिंग है, इतना मज़ेदार है कि वो कहाँ अफगानिस्तान में पहला बात लिए थी और वो कैसे लिया। थोड़ा सा उनके पास वो था, शैम्पू था, उसे बात बात कैसे लिया, टब कैसे लिया, और एक औरत थी वहाँ वो उनके साथ बात ले रही। हर डिस्क्रिप्शन इज सो अमेजिंग टू सी उस वक्त एक नौजवान लड़की अपने लोगों के साथ जाके इंग्लैंड, इंग्लैंड से जर्मनी पहुँचेगी और वहाँ पर ट्रेनिंग करने आएगी। डांसर बनने गई थी लेकिन बाद में कहते मैं एक्टर बनूंगी। तो और थ्रू आउट जब तक वो रही, मतलब मैं एक 100th birthday भी मनाया मैंने उनके साथ। अच्छा, 101st birthday भी मैं था वहाँ। क्या बात। एंड लाइव पर्सन, लव इट, जोक्स,
मैं भी आपकी तस्वीरें देख रहा था, शी यूज टू बी लाइव एज यू सी देयर ऑल द टाइम. एक बात तो कुछ खास दिखता भी नहीं था 100 पे, मुझे कहती मुझे दिख नहीं था कौन बोल रहा है, तो बट ऑन शॉट शी विल रिप्लाई हिम बैक. सो दैट इज पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पिरेशन आज के लोगों को ये लेना चाहे कि देर इज नेवर दैट यू आर ओवर. इसलिए यह है कि उनकी जिंदगी में अगर आप देखेंगे कि कोई स्मूथ सफर भी नहीं रहा, बिल्कुल स्मूथ किसी भी तरह से स्मूथ नहीं रहा, और हर बार वो कैसे रीइन्वेंट करती थी अपने को, फिर अपने को सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश करती थी और कामयाब होती थी, चाहे एज अ डांसर, चाहे एज अ एक्ट्रेस और एज अ डायरेक्टर और कोरियोग्राफर और परफॉर्मिंग इन फिल्म्स और परफॉर्मिंग इन थिएटर. अमेजिंग. मैं एक बार आपको याद दिला दूं, मैं एक बार एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे रहा था एक दूरदर्शन पे, हम एक प्रोग्राम करते थे सुरभि, उसका नॉर्थ इंडिया में करता था जी. तो जोहरा पा को मैंने फलानी दिन आ जाना वगैरह, तो मैं पहुंच गया टाइम पे घर के, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, मैं नीचे आया ग्राउंड पे तो सीधे उभर से ही आवाज़ आई, उस कमरत को कहा अभी नहीं आया नीचे पर. मैं क्या हुआ नाराज क्यों सुबह सवेरे, तो कहा बैठो बैठो. फिर मैं ऊपर गया, जोहरा पा क्या था आधा घंटा अपने, कहता क्यों, एंड शी वॉज 80 प्लस दैट टाइम, पूरी एक्सरसाइजेस, ओके, स्पीच, बॉडी एक्सरसाइजेस, ऑल एक्सरसाइजेस जो उनकी डांस में करती थी, जो उदय शंकर के स्कूल में उन्होंने सीखी थी. मैंने कहा ये आप रोज करती, कहते एब्सोल्युटली, आई हैव टू डू माय स्पीच रिहर्सल, पोएट्री रिहर्सल एंड एक्सरसाइजेस. आई सेड आई विल शूट यू, शी सेड ओके डू इट, एंड शी डिड ऑल दोस एक्सरसाइजेस, अमेजिंग एक्सरसाइजेस. अपने को हमेशा फिट रखने का और हमेशा अपडेट रहने का. दूसरा उनका सबसे गजब था कि आप उनको कभी भी रिहर्सल पर लाइए थिएटर में या कभी फिल्म में कीजिए, आई हैड ओकेजन ऑफ डायरेक्टिंग एट बोथ, कि शी वॉज रेडी विथ लाइन्स लाइक नोबडीज बिजनेस. शॉर्ट रेडी, शी इज रेडी. उसके बाद एक वो फिल्म के लिए मैंने उनको कहा दोहरा पा हमको बम्बई जाना पड़ेगा, डब करेंगे, इट्स ऑल राइट स्टूडियो में हुए तो, बट आई थिंक स्टिल आई कैन प्ले. हम वहाँ गए, मैंने कहा आप 83-84 है कि ये लिप सिंक का क्या चक्कर होगा, हम महबूब स्टूडियो में कर रहे थे जी. तो पहली रील तो तड़ातर तड़ातर कर गए, और उसके बाद मेरे पास साउंड रिकॉर्ड है वेरी सीनियर, कहते ये कौन है जी. तो कहते चरण छुए उनके, मैं कहा जोहरा पा ये आपके रिकॉर्डिंग करें, तो हाँ बताओ भाई कैसा हुआ मेरा काम. तो जोहरा पा मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर से, आपसे डोंट डू, आपकी आवाज़ बिल्कुल, आई विल क्लीन इट अप अ लिटिल ट्रैक, यू डोंट नीड इट, सो वी जस्ट पैक्ड अप एंड डिड द फिल्म विदाउट यू नो. That was her. जी बिल्कुल. वो आप ऐसा प्रोफेशनल मिलना मुझे नहीं लगता आजकल मिल जाएगा जो कि पूरा रेडी है जी. बट हाँ. रैना जी आप उनसे 70s में शायद आप मिले उनसे पहले, तो 40 साल के तकरीबन मान सकते हैं कि आप उनके साथ आपका हाँ. मिलना जुलना रहा. बहुत जिंदा दिल थी, हम सब जानते हैं, ऊर्जावान थी, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स शी न्यू कि मुझे कैसे मैनेज करना है, तो वो स्पिरिट कैसे हमेशा लाइव रख पाती थी अपना. मुझे लगता वो उनके सोल में था, इट्स यू कांट एक्सप्लेन इट ऑल्सो समटाइम्स, मतलब जो कैन यू इमेजिन एट एज ऑफ 90 परहैप्स कैंसर एंड शी सर्वाइव दैट ऑपरेशन, हुआ अगेन ऑन स्टेज अमिताभ बच्चन के साथ काम करना, कभी आपको आवाज नहीं देती देती हो सकता है. देर वॉज समथिंग सम फ्लेम इनसाइड हर विच केप्ट हर गोइंग, एंड आई थिंक वो उनको जो मिला वो जब वो जर्मनी गई वहाँ ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद उदय शंकर जी के साथ जब उन्होंने काम किया अल्मोड़ा सेंटर में, और वो खुद कहती हैं कहते मैं तो प्रेमेडोना थी, मैं कैसे उदय शंकर जी के साथ जब हम जाते थे वैसे जाते तो फर्स्ट क्लास सब कुछ होता था, लेकिन जिंदगी को समझने के लिए मैंने पृथ्वीराज कपूर से सीखा, पापा जी से सीखा. मैं क्या सीखा, कहता वो मेरे पार्लियामेंट थे, फर्स्ट क्लास में उनका पास था जा सकते, लेकिन पृथ्वी थिएटर के साथ जब भी चलती थी हमारे साथ ही थर्ड क्लास स्लीपर पर सोते थे, और खुद खाना सबका परोसा, 100 लोग जाते थे, कुक्स होते थे, पता नहीं क्या क्या होता था, बट ही विल बी लाइक एनी वन ऑफ अस, वो किसी को डिस्टिंक्शन नहीं करते. वहाँ जिंदगी को समझना, सोशलिस्टिक इंसान क्या होता है समझना, और गुरु किसे कहते हैं, मैंने पृथ्वीराज जी से. तो इन अ वे शी वाज लकी इनफ कि हम देखते हैं कि शुरू में 40s में जब वो जर्मनी में उदय शंकर जी से मिलती हैं 30s में, और उसके बाद में 5 साल उनके साथ में वो पूरा यूरोप में बहुत जगह जाके परफॉर्मेंस देते हैं, एंड वापस आने के बाद में अल्मोड़ा में उनके साथ में, और उनकी छोटी बहन उषा जी ने भी साथ में काफ़ी टाइम वहाँ पर भी पढ़ाया, एंड देन शी गॉट मैरिड. बीच में मुलाकात उनकी हुई, तो 14 अगस्त 1942 को उनकी शादी हो जाती मिस्टर सहगल से. बट सर उसमें फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी थिएटर जब ज्वाइन करती हैं वो, उन्होंने अपना भी इंस्टीट्यूट खोला जो चला नहीं, लेकिन उसके बाद ये उनका सौभाग्य था कि पहले उदय शंकर जैसे गुरु उनको मिलते हैं,
फिर पृथ्वी थिएटर्स में पृथ्वीराज कपूर उन्हें मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम नृत्य की बात करें, थिएटर की बात करें, तो जो एक फाउंडेशन होता है वो उनको तैयार करने में मदद मिली। सी आई थिंक शी हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि मुझे यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे ज़्यादा, पर मुझे यहाँ वो चीज़ मिलेगी जो कहीं नहीं मुझे मिलेगी। आई थिंक 400 रुपये पर मंथ उनको सैलरी पे पृथ्वीराज कपूर जी ने रखा था। जी, लेकिन उससे वो 100 ईयर्स क्रॉस कर गए उस ट्रेनिंग से। जी, मतलब ये अमेजिंग चीज है कि वो मतलब हेयरिंग एड भी लगा रही लेकिन शॉर्ट रेडी है, आपका ये काम उनका बहुत मतलब उनका तो एक था कि आपने 14 अगस्त की बात की, मुझे याद है 15 अगस्त को की कहानी उनकी एक है कि वो सारे ख्वाजा अहमद अब्बास पृथ्वीराज कपूर सारे जुलूस डांस करने निकले अपना बलराज साहनी अपना बम्बई में, एंड शी वॉज लीडिंग द डांस विद विद द फ्लैग, कितनी चप्पल टूट गई मुझे कुछ डांस करते करते जब वो घर पहुंचे तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि हमारे पास भी इसिडोरा डंकन है। क्या बात, दैट वाज द पैशन शी हैड। जी बिल्कुल, आपने बात की अब्बास साहब की और सब जानते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास जाने माने डायरेक्टर, उनके साथ उन्होंने शुरुआत की अपने फिल्मी करियर की। बहुत ज़्यादा फिल्में शुरुआत में नहीं की लेकिन शुरुआत वहीं से हुई, फिर चेतन नारायण के साथ नीचा नगर आती है और कान फिल्म फेस्टिवल में वो जाती है, बहुत सराहा जाता है। नहीं, दिस इज वन ऑफ योर रेयर फिल्म्स व्हिच हैज गॉट कान्स अवार्ड। जी, हमारी फिल्में कांस जाती हैं, अवार्ड नहीं लेती। जी, एंड दैट इन दैट इज एन अवार्डेड कांस फिल्म अर्ली 40s में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों के साथ भी काफ़ी उनका हम कह सकते हैं कि साथ रहा। अगर आनंद जो पूरा फैमिली है उनकी बात करें, चाहे उसमें चेतन आनंद हो, गोल्डी हो, देवानंद हो, वो बताती भी थी कि देवानंद साहब पूछते थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ फिल्मों में, चलूंगा नहीं चलूंगा। तो इस तरह का उनके साथ था। तो हम जब उनके बारे में राणा साहब बात करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको सबसे अलग करती हैं। पृथ्वीराज कपूर साहब की बात हो रही है, पृथ्वी थिएटर्स की बात हो रही है, तो उन्होंने चार जनरेशन्स के साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, फिर ऋषि कपूर वगैरह देखते हो, फिर अब हम बात करते हैं रणबीर कपूर सावरिया में। ये अपने आप में अनूठी बात है कि वो कहीं भी लगता नहीं कहीं 19 है, वो हमेशा अलग नजर आती है। एक्चुअली वो इसी एक तो ये बात थी जो उनकी बैकग्राउंड जिस खानदान से वो आई थी, इट वाज अ इगैलिटेरियन खानदान, जिस खानदान में आप देखेंगे कि एक बच्चे को कहते हैं जाओ यूरोप जाओ, मुस्लिम घर से है, बिल्कुल इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। She was educated and she could manage both. She could manage English-speaking people as well as the Desi Mamla. ये तो उनका उसमें उनको problems नहीं होती थी कि मैं ये नहीं जानती ये नहीं। दूसरा ये था कि वो बम्बई इंडस्ट्री में आप बिलीव नहीं करेंगे, राज कपूर तो बच्चा था उनके सामने। जी। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुना, कहता मैं एक सिगरेट, मुझे पापा जी ने कहा सिगरेट पी के तुम्हें वैम्प का रोल करना किसी प्ले में, याद नहीं मुझे, क्योंकि मैं आती थी तो मैंने कहा पापा जी मैं तो सिगरेट नहीं पीती। कहता नहीं तो करना पड़ेगा तुझे, ब्रिटिश वैम्प है कुछ आज़ादी का कुछ प्ले। कहता मैं आती थी एक फूक मारती थी और विंग पे राज कपूर बच्चे के जोरा जी सिगरेट दे दीजिए। अच्छा, so they were like her children, you know, to that. And she used to feel at home when she used to go to Bombay. She would be welcome in these families. Zohra ji aayi hain, Zohra aap aaj khana hamare yahan aaye. So she was a part of this whole fraternity. Uska sabse karan mujhe jo lagta hai ki if you look at a historical perspective, she came at the historical time of freedom movement. जी राणा साहब, आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात हमारी चल रही है, उनके बारे में बात करेंगे और राज कपूर से लिंक करके बात करेंगे, लेकिन कलाकार की बात हो रही है, एक झलक उनकी और देख लेते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं।
अभी तो मैं जुनून है स्वभाव का ख्याल है अजाब मगर सुनो तो शेख जी अजीब शेख भला शबाब वो आशिक ये लव हसीन जलवे अदाएं फिर खैर हवाएं इस बेस हो तो शौक क्यों ना तेरे निगार हाय फिर न गैर कोई इधर कोई उधर उभारते हुए ईश्वर वो क्या करे कोई बच्चा चलो ये किस्सा मुख्तसर तुम्हारा लुकता है ना दुरुस्त है तो वो मगर अभी तो मैं जवान अभी तो मैं जवान क्या बात है ज़ोहरा आपा के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसे कि हमने कहा कि उनकी शख्सियत उनकी ज़िंदगी अगर उनका ज़िंदगी नामा हम कहें उसमें बहुत सारी प्यारी चीज़ें हैं। रैना साहब हमारे साथ बैठे उनसे बात हो रही है तो रैना साहब पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार उनको दिए गए। नृत्य में उतना ही दखल रंगमंच से कभी साथ नहीं छोड़ा। सिनेमा में जब वो आती हैं 80 की उम्र पार करने के बाद तो दूसरी पारी जिसे हम कहते हैं उसमें फिर एक अलग ही तरह से अपने आप को स्थापित करती हैं। अब्बास साहब का जिक्र बीच में चला था तो पहली फिल्म उनके साथ उन्होंने की और ये भी संयोग है कि अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म जो आई थी 1969 में साथ हिंदुस्तानी वो भी अब्बास साहब के साथ थी। चीनी कम में कहीं आप देखें उन दोनों को तो कहीं लगता नहीं उनके जहन में कहीं कोई ख्याल है कि वो किसके साथ काम कर रही है और कुछ एक वो जो रहता है कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं मतलब ही नहीं जी She was so self-confident. She knew exactly. Believe me, अगर आप उसे बैठते उसको पता था कि I am being watched. I am a performer. प्राइवेट लाइफ में भी वो ऐसा कुछ नहीं यूज मतलब हम लोगों ने उन पर एक फिल्म बनाई है 100 ईयर्स के लिए मेरे बेटे ने बनाई वो तो आई वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद हर बिफोर वी रीच शी वॉज रेडी श्योर कॉस्ट्यूम पहने यहीं बैठूंगी मैं आप तुम अपना लगाओ जो तुम्हें लगाना है एब्सोल्युटली परफेक्शनिस्ट जिसे कहते हैं ना अप टू डिटेल दैट वाज बिल्कुल सही बात है। राज साहब का जिक्र चला राज कपूर साहब का तो आवारा फिल्म जो है उसमें जो ड्रीम सॉन्ग जिसे हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का पहला ड्रीम सॉन्ग जो घर आया मेरा परदेसी वो कोरियोग्राफ उन्होंने किया था। दैट्स रियली अमेजिंग। उनके नाम कितने रिकॉर्ड्स हैं जानी कितनी सारी चीज़ें हैं जो उन्हीं के खाते में जाती हैं। वो तो है ही मैं जो कह रहा था ना आज़ादी के बाद की जी ये वो जनरेशन थी उदय शंकर से लेकर राज कपूर तक मैं कहूँगा पृथ्वीराज जी सब मिल के अब्बास वगैरह हु वर मेकर्स ऑफ इंडिया इन आर्ट्स आफ्टर फ्रीडम जी ये एहसास इन सब लोगों में था कि पैसा नहीं है तब भी काम करना है। कमर्शियलिज्म वाज नेवर अब्बास साहब यू नो माइलस्टोन बट दे बर्नड देयर फिंगर्स फॉर टैलेंट तो उसमें ये एक साथ जुट जाते थे। अगर आप देखेंगे कि जब वो फिल्म बना रहे थे नीचाना नगर और वो जब बना रहे थे स्टोरीज दे हैड कुछ नहीं है कैसे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल वो आजकल दैट इज चेंज्ड हालांकि वो खुद भी कहती रही कि अभी जो उनकी फिल्म आई चलो इश्क लड़ाए उसमें वो 90 पार कर चुकी है और मोटरसाइकिल चला रही हैं गन्स चला रही हैं तो ये लगता है दुनिया से पार की कोई चीज है जो एक आदमी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो वाकई हम कह सकते हैं कि इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि यंगस्टर्स जस्ट थ्रो अ चैलेंज एट हर बेटा तो कहते अच्छा बेटा तुम ऐसा कर देख ले मैं बता दूं एंड शी विल डू इट जी वो डरती नहीं थी करने से कि बोले पता है मैं चिप उठ पाऊंगी ये करूंगी। आई रिमेंबर आई विल टेल यू इंसिडेंट मुझे 4 बजे सुबह शॉट लेना था और नोएडा तक बना नहीं था सनराइज मुझे पीछे चाहिए था कटिया पे ये दादी सोई अपनी पोती के साथ हमने कहा 4 बजे शॉट है तो हम लोग चलो 5 बजे पहुंच जाते हैं। मैडम वहाँ जिस कार से आई थी वहीं बैठी थी कहने के तुम लेट क्यों आए मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो घर चलो आई यू लिव इन नोएडा तो कॉफी वॉफी फिर विल गेट रेडी बस नहीं कोई जरूरत नहीं मैं यहीं ठीक हूँ कॉफी यही लिया 4 बजे सुबह है आफ्टर 80+ यही मतलब वो हमको मतलब अभी हम कमेंट के साथ जो प्ले किया 300 चिल्ड्रन विद मी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्ट गॉट अप टू गिव हर बिग अप्लॉज तो नोबडी बिलीव्ड कि इतना पावरफुल परफॉर्मेंस करेगी लेकिन उसके पीछे वो हमको अलर्ट रखती थी सबको भैया वो तो रेडी आएगी ये ना कि कोई सुनाएगी आप लोगों को बेटर बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि जिंदगी में बहुत से मौके हमें मिलते हैं कि जहाँ
हम नाज करते कि हमने ये किया वो किया, ऐसे लोगों के साथ रहे। बहुत कम मौके ऐसे आते कि जिंदगी नाज करती है आप पर कि आपको किसी ने जिया। डिस्पाइट द फैक्ट जी दैट जब वो लंदन से वापस आई शी वाज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड जी इन द ऑडिटोरियम में इंटरव्यू में था। माफी चाहती हूँ क्योंकि ज़ोहरा आपा की जब बात चलती है तो उनकी उम्र इतनी तवील रही, हमें लगता है बातचीत उससे भी कहीं आगे तक जा सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं समय की। तो उम्मीद ये करते हैं फिर किसी मौके पे उनके बारे में फिर बात होगी। आप प्रोग्राम में आए, गुड इवनिंग इंडिया में आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़ोहरा आपा की आपने बात की, उम्र दराज जिसे कहते हैं कि 102 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि तुझको चलना होगा, जिंदगी नाम ही है चलते रहने का। और ये गीत आप जानते हैं मन्ना डे, हमारे मन्ना दा का, तो तुझको चलना होगा, अ ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी सिंगर मन्ना डे। ये कार्यक्रम जिसका प्रसारण आप देख सकेंगे 30 अप्रैल से सुबह 8 बजे हर शुक्रवार को डीडी नेशनल पर। ये कार्यक्रम हर दिन 8 बजे किया जाएगा इसका प्रसारण, और इसकी जो तैयारी हुई है उसके बारे में आइए आप कुछ कुछ दिखाते हैं। नमस्कार, प्रभु चंद्र डे जिन्हें हम सब प्यार से मन्ना डे के नाम से जानते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा जगत में एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के रूप में याद किया जाता है, जिनके लाजवाब सिंगिंग के जरिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक खास पहचान दिलाई। 1942 में आई फिल्म तमन्ना से अपने खूबसूरत करियर की शुरुआत करने वाले मन्ना डे ने 2013 तक की जर्नी में हिंदी और बांग्ला सहित कई भाषाओं में 3000 से ज़्यादा गाने गाए। समय बदलता रहा, म्यूज़िक इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी बदलते रहे, लेकिन एक आवाज़ जो सुर को गुलजार करती रही वो थी मन्ना डे की। ऐसी अजीम शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड हिज प्रेशियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री and bestowed the honor of Padmshri, Padm Bhushan and the Dada Sai Phalke Award on him. Aisi shandar awaaz ke malik ki yaad mein 14 march ko singing aur 15 march ko dance group ke auditions liye gaye jisme desh bhar se aaye hue kalakaron aur logo ne badh chadkar shirkat ki. Kasme vaade वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। मेरा नाम रति पर्णा है, मैं दिल्ली से ही आई हूँ। मैं अभी म्यूज़िक सीख रही हूँ। मन्ना डे का सॉन्ग्स मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे सॉन्ग्स। उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है, प्यार हुआ इकरार हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अब तू ही इसे समझा, राह भूली थी कहाँ से हम, राह भूली थी कहाँ से हम। ए मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल लेजेंडरी सिंगर मन्ना दा की अगर बात की जाए तो उनको ट्रिब्यूट पेश करता है ये कार्यक्रम, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल से दूरदर्शन पर। तुझको चलना होगा, और गुड इवनिंग इंडिया में हमको भी अब आगे चलना होगा। और कहते भी हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, बहुत से इम्तिहान भी पास करने पड़ते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें
ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंड ऑल इंडिया प्री डेंटल एग्जाम्स की अगर बात की जाए, एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो 3 मई को एग्जाम होने वाला है। CBSE कंडक्ट कर रहा है इसको, और जो लोग भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अब ये समय ज़्यादा नहीं है तो हमें मालूम है बहुत कुछ मन में चल रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, टेंशन भी है, उसी को दूर करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, लास्ट मिनट टिप के लिए, जी हाँ टिप्स के लिए हमने इन्वाइट किया अपने स्टूडियोज़ में। हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर गगन वोहरा जी, आप मोटिवेटर हैं साथ ही बायोलॉजी टीचर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपसे भी हम कहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में अगर चाहें कुछ सवाल पूछना तो आपका भी स्वागत है, अपने सवाल तैयार रखिए। हम आपको नंबर बता देते हैं, हमारा नंबर है 0112309753। ये वो नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी आपके मन में इससे जुड़ा सवाल हो डॉक्टर वोहरा हमारे साथ हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर वोहरा, पहला सवाल आपसे हम ये करें कि अब समय ज़्यादा है नहीं, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को और आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, और जनरली इस समय पर अगर आप ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ये काफ़ी स्टूडेंट्स को, जो लाखों दूरदर्शन के दर्शक हैं, उनको सबको ये बहुत बेनिफिट करेगा। थैंक यू। ये जो एग्ज़ाम है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जी। एक्चुअली जब कोई स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होते हैं। चॉइसेस जो होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, तो क्योंकि चॉइसेस बहुत पास पास होती हैं तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस चूज करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो तभी हो सकता है जब तक आपने 2 साल तक तैयारी नहीं करी हुई। अगर आप 2 साल बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ चुके हैं तो आप लास्ट मोमेंट पर उस सब तैयारी के ऊपर लास्ट मोमेंट टिप्स आपको काम करेंगे जी। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि सिर्फ लास्ट मोमेंट टिप्स से ही सब काम हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं। उसके लिए पीछे 2 साल की या 1 साल की बैकग्राउंड होना जरूरी है जी। जैसे क्योंकि जैसे आपने बताया और सबको मालूम भी है, ये एंट्रेंस एग्जाम CBSE कंडक्ट करती है, तो मैं यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों को थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ऐसा नहीं है, क्योंकि CBSE कंडक्ट करती है और देश भर में एक ही बुक ऐसी है जो यूनिफॉर्म है, NCERT। तो NCERT पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे, बायोलॉजी को देखेंगे या केमिस्ट्री देखेंगे या फिजिक्स भी देखेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT से ही आते हैं। NCERT बेस्ड होते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि NCERT से ही बिल्कुल सवाल दे दी, उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। अब 26 आज 27 या 26 तारीख हो चुकी है, लास्ट वीक है अभी जी। तो अब किसी भी स्टूडेंट को, जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी के लिए बारे में बता देता हूँ, फिर केमिस्ट्री के बारे में बता दूँ, फिजिक्स के बारे में जी। लास्ट मोमेंट पे NCERT में जो टेबल्स होती हैं या जो डायग्राम्स होते हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं और NCERT पे फोकस नहीं करते जी। तो AIPMT NCERT के डायग्राम्स को उठा के उनसे क्वेश्चन बनाते हैं, टेबल्स दी हुई उनसे क्वेश्चन बनाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स वाले आते हैं। ओके। मैं आपको लास्ट कुछ साल के ट्रेंड बताऊं तो बायो में जैसे 90 क्वेश्चंस आते हैं, 180 में से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में, 50% बायोलॉजी, 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर। ओके। तो बायो में NCERT को समझ लेना बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे उसको क्रैम करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है उसके बाद आप NCERT पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर हो जाता है। राइट। तो लास्ट मोमेंट पे आपको सारी टेबल, सारे डायग्राम्स, ये सब बायो में देखना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में जैसे अगर आप अभी कुछ एग्जाम्स हुए भी हैं मेडिकल के तो आप देखेंगे उसमें भी NCERT से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे एक स्पेशल एरिया होता है जो बच्चों का वीक होता है क्योंकि उसमें क्रैमिंग करनी पड़ती है। जहां पर बच्चों को रटना पड़ता है वो बच्चा थोड़ा घबराना शुरू कर देता है, तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को NCERT से देखना बहुत जरूरी है। फिजिक्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको जितने आपके फॉर्मूलेस हैं वो सब इस समय पर कर लेने चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको 1 महीना या 2 महीने पहले आती है और लास्ट मोमेंट पे नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट रिटेंशन, आपको उस एन मोमेंट पे याद आ जाए जी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जी। डॉक्टर वोहरा, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। हाँ, यूपी से सोनभद्र आई सुनते हैं उनका सवाल जी। सोनभद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिएगा अपना सवाल। हेलो। हेलो जी, सोनभद्र जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिएगा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, मैं जो भी पढ़ता हूँ ध्यान में होता नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, बताइए बताइए। वही नर्वसनेस, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ याद नहीं होता है।
देखिए, याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। क्या याद नहीं होता आपको? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ भी याद नहीं होता? चलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बेसिक कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया, एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट मेमोरी, रिटेंशन। सही मोमेंट पे आपको चीजें याद आनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि अभी इससे 6 महीने पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा होता है और लास्ट मोमेंट पे हमें वो याद नहीं आता, फिर हमें पछतावा होता है, 6 महीने पहले तो मुझे याद था, अब एंड मोमेंट पे जब एग्जाम हो रहा है तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसके लिए छोटा सा एक तरीका है, मैं बता देता हूँ। ये पढ़ते समय होता है, लास्ट मोमेंट पे काम नहीं करेगा, लेकिन जनरली जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 15 साल मुझे हो गए इस लाइन में, तो हम माइंड मैप्स बनवाते हैं। अब माइंड मैप क्या होता है? एक वाइट पेपर की शीट होती है, उस पर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। सारा चैप्टर लिखेंगे उसका फायदा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। उन इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में 20 या 25 पॉइंट्स हैं, उनको आपने लिख लिया, उनको अपने पास रखिए। ऐसे करके आपके हर चैप्टर के माइंड मैप्स बन जाएंगे। तो माइंड मैप इसलिए बोला कि एक टर्म दे दी हमने उसको, तो एक तरह से मतलब एक ये पर्चा है जिसके ऊपर सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या जो आप भूल जाते हैं वो लिखा होता है। अगर आप इसे अपने पास रखेंगे, अगर आपने साल भर में ये काम किया है, तो लास्ट मोमेंट पे आप उन पेपर्स को उठा के पढ़ेंगे तो आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जी, इसमें एक बात और, जो व्हाइट पेपर की आपने बात की, इसमें हम एक जो मैप की जो बात की, एक चीज और जोड़ें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होते हैं, तो कैसे कोप अप करें, कैसे बैलेंस करके चलें? देखिए, लास्ट मोमेंट पे अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो आप उसे स्ट्रेंथ तो नहीं बना सकते, रेक्टिफाई कर सकते हैं आप उसे। जी, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपकी वो वीकनेस बन जाती है तो बहुत खराब है। मान लीजिए, सपोज करिए, हर बच्चे का अपना एक वीक पॉइंट है, हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी, जनरली बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है और बायो उनका फेवरेट होता है। अगर बायो किसी की स्ट्रेंथ है और लास्ट मोमेंट पे अगर वो बायो का सवाल भूल जाता है तो स्ट्रेंथ वीकनेस बन गई। जी, है ना। अब जो वीकनेस है उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। देखिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, इट इज बेस्ड ऑन ऑल 4 सब्जेक्ट्स। चार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी को बॉटनी, जूलॉजी में सेग्रीगेट कर देते हैं। ऐसे AIPMT में बायोलॉजी आता है, या आप 3 मान लीजिए। जी, तो तीनों सब्जेक्ट जब तक आपको अच्छे से नहीं आते होंगे तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ओके, क्योंकि जनरली जो AIPMT का एग्जाम है उसमें कट ऑफ 70% के आसपास जाती है। लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो 720 नंबर का पेपर होता है, 480 के आसपास MBBS मिलता है, तो 70 थोड़ा, BDS उससे थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो इतने मार्क्स लेके आने के लिए जरूरी है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इक्वली स्ट्रांग हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लें और एक छोड़ दें तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी करें तो एक गाड़ी के 4 पहिए, उनमें चारों में हवा बराबर होगी। राइट, लेकिन इसमें शायद बाद में जब रिजल्ट्स की बात आती है तो स्कोर्स जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ टाई का भी कुछ प्रोसेस है, वो थोड़ा सा प्लीज आप बताएं। हाँ, मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि क्योंकि इसमें 3 या 4 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स में जब कट ऑफ निकलती है तो स्कोर टाई हो जाते हैं। मान लीजिए कट ऑफ 480 का, तो 480 में बहुत सारे स्टूडेंट आपको नजर आ जाएंगे। नेचुरल है, जब नीचे भीड़ ज्यादा होती है, टॉपर जो होता है वो तो एक कोई विरला ही होता है। तो अगर 2 स्टूडेंट्स का स्कोर टाई हो जाता है तो AIPMT ने इसका प्रोविजन बनाया, एक फॉर्मेट बनाया हुआ, एक मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से एडमिशन मिलता है। उसमें जिस स्टूडेंट के बायो में ज्यादा स्कोर आता है उसको सीट मिल जाती है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, ए और बी, दोनों का 480 मार्क्स आए, तो जिसके बायो में ज्यादा स्कोर है उसको सीट मिल जाएगी। अगर बायो में भी टाई हो जाता है तो फिर केमिस्ट्री देखते हैं। ओके, और अगर केमिस्ट्री भी टाई हो जाता है तो फिर और क्राइटेरियाज हैं जिसमें फिजिक्स भी आता है, बोर्ड के एग्जाम भी आते हैं, और इतना टाई नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो पॉसिबल नहीं। लेकिन जैसे हमारे कॉलर ने भी पूछा अभी डॉक्टर बोला, इसमें एक चीज और आती है कि हमने अभी स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स की बात की। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन आपकी पूरी है लेकिन लास्ट स्टेज आते आते तक आप नर्वसनेस आपकी बढ़ने लगती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, कैसा होगा, कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, तो जो आप कर रहे होते हैं वो भी ठीक से नहीं अटेम्प्ट कर पाते, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, नर्वसनेस होना लाजमी है क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एंट्रेंस एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सबको डर लगता है, सबको नर्वसनेस होती है। जी, वो नर्वसनेस इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ाई करी है। दो लोगों को नर्वसनेस नहीं होती है। ये बात आपसे पूरी समझेंगे हम, लेकिन लद्दाख से हमारे कॉलर आए, सुनते हैं उनका सवाल। हेलो, यस मैम, जी स्वागत है आपका, पूछिएगा अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम जाकिर हुसैन है और जब मैं फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम आता है जब भी मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है और मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, बट आफ्टर फ्यू डेज आई फॉरगेट दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो उसको मेमोराइज, मेमोरी में रखने के लिए क्या कोई टिप्स है आपके? फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं जी, उसके बाद आवाज थोड़ा सा। हाँ, आप फिर से पूछिएगा अपना सवाल।
we are after a few days, I forget it also. जी फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब ये करते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं. हाँ, तो वो ये कह रहे कि मेमोरी में मतलब उसको याद नहीं रख पाए. वही मैंने बताया ना, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट से 15 साल से जुड़ा हूँ. तो फिजिक्स में ये होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जैसे लास्ट ईयर का अगर आप एपीएमटी का एग्जाम देखें, थोड़ा ट्रेंड बदला है. जी, पहले फिजिक्स में थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. जी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो अगर आपने उस तरह के सवाल किए हुए हैं तभी आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में कर पाएंगे. जैसे ये बता रहे हैं कि जब आप एक बैठ के घर में फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम में वहां जाके सॉल्व नहीं हो रहे. इसका मतलब यह है कि या तो आपने उसे क्रैम कर लिया या आपने उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया. अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया होता, आपने अंडरस्टैंड किया होता और फॉर्मूला बेस्ड है. देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है मेडिकल और आईआईटी में. आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें थोड़ा फिजिक्स में ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं. आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए. फॉर्मूले की अगर आपको एप्लीकेशन आती है, आप उसे लगाइए और सॉल्व हो जाएगा. तो उस तरह बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट अगेन हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी, जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब भी, 3 घंटे का समय है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए प्रिपरेशन का टाइम तो निकल गया, अब तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं. जनरली जब हम बात करते हैं पेपर के बाद, बच्चों से बात करें एग्जामिनेशन हॉल के बाद, तो सब बोलते हैं मेरा पेपर छूट गया. तो उसका रीजन ही होता है कि 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको 180 क्वेश्चन करने, यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में करना है. तो जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी इसकी, तो आपसे होगा ही नहीं. तो इसके लिए अभी जैसे 1 वीक बाकी है, ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, या कुछ छोटी छोटी चीजें उन्हें करनी होंगी, ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो जाती है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम चल ही रहे हैं, कुछ और भी एग्जाम हुए हैं. तो अब जो 1 वीक है उसमें 3 घंटे के सेट बनाकर बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पुराने सैंपल पेपर या पुराने सालों के पेपर उन्हें बैठ के सॉल्व करना चाहिए. उसको सॉल्व करने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जनरली जब आप पहली बार ऐसा करने जाएंगे ना तो आपसे पेपर सॉल्व नहीं होगा. क्योंकि आप अगर मान लीजिए, अब इसमें भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ जो हमने सालों में मतलब नोटिस किया है. जनरली बच्चे फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स काफी टफ होती है. बायो मेडिकल वाले बच्चों का फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स कम लोगों के पास होता है. तो अब फिजिक्स से अगर आप सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो होगा ये कि आप फिजिक्स के मान लीजिए 2रे या 3रे सवाल में फंस गए, तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया, फिर आपको टेंशन हो गई, नर्वसनेस हो गई, उसमें आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी छूट जाएगा. तो जो हमने एक स्ट्रेटजी तैयार करी 15 साल से जो हमने पढ़ाया या जो हमने देखा, उसमें यह है कि बायो से स्टार्ट करें आप पेपर. जैसे 3 घंटे का पेपर 45 मिनट्स में आप बायो खत्म कर लीजिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना. उसमें आपको आंसर आता है तो आप मार्क कर देंगे, नहीं आता तो अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आपका मेंटल ब्लॉक नहीं होगा. फिर उसके बाद टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. 45 मिनट्स में आप करें और 50 मिनट के अंदर 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस करने हैं, और 50 मिनट्स में आप बाकी 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री करें, 1 घंटा 10 मिनट में आप फिजिक्स करें, बाकी टाइम रिविजन के लिए करें. तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी स्टूडेंट इस सीक्वेंस में पेपर करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनका सॉल्व हो जाता है, टाइम भी खत्म हो जाता है. ब्यूटीफुल. एक चीज हमने और देखी, नेगेटिव मार्किंग भी एक समस्या है अपने आप में, उससे कैसे डील करें? देखिए एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट. जैसे अभी हमने डिस्कस किया 3 घंटे में पेपर पूरा करना है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने, फिर एक्यूरेटली भी करने, क्योंकि हर क्वेश्चन को ठीक करने के 4 मार्क्स मिलते हैं और खत्म गलत हो जाए तो 1 मार्क लूज हो जाता है. तो जनरली अगर किसी का सपोज करिए 480 कट ऑफ या 480 स्कोर आ रहा है, तो वो 480 नहीं, वो 530 या 540 स्कोर है. नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 480 पे पहुंच गया. तो रीजन क्या है? अगेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. लास्ट मोमेंट में नेगेटिव मार्किंग को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो आपके 2 साल का ही जो आपने किया वो किया. लास्ट मोमेंट में तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं. कई बार मैं मतलब जितने भी दर्शक हैं या बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि कभी कभी बच्चे ढंग से पेपर पढ़ते नहीं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते. मिस रीडिंग ऑफ क्वेश्चन बहुत होता है. लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, तो मतलब हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करेक्ट, तो उन्होंने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर उसको वैसे देखना शुरू कर देते हैं. तो लास्ट मोमेंट में तो यही है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें. कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है, उस क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है. लेकिन आप ऐसा भी मत समझिए कि हर क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हर क्वेश्चन में कोई पेच है. अगर आप
ये मानिए कि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री में, 180 में से 140 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, राइट, वो सब बच्चों के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल है या मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं, वो जो 30-40 सवाल हैं वो आपको सोचना पड़ता है कि इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, बाकी आसान होते हैं। तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें, आराम से पढ़ें, तसल्ली से आंसर करने की कोशिश करें। 5-10 मिनट आपको नर्वसनेस जरूर होगी क्योंकि आप पेपर करने जाएंगे, आपको डर लगेगा, आपके हाथ कांपेंगे, कान लाल हो जाएंगे, नाक लाल हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने जाते हैं, प्रोसेस में आते हैं, वो सब सेटल हो जाता है उसके। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको इस तरह समझे कि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन एक चीज होती है कि लास्ट में हम लोगों को लगता है ये भी रह गया, वो भी पढ़ना है, बार बार स्टडी करते देखते हैं, तो रिविजन के लिए किस तरह से पैटर्न बना के चले? रिवीजन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपके देखिए जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, या उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करी है, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी है, या किसी ट्यूटर से पढ़ाई करी, उनके नोट्स होते हैं जी। तो अब क्या होता है कि बच्चों ने नोट्स भी रिवाइज किए होते हैं, करे ही होते हैं, जैसे 4-5 महीने पहले रिवाइज किए थे, तो लास्ट मोमेंट पे अब आपके पास 6 दिन है आज के बाद, तो आप सब्जेक्ट बांट लीजिए, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी। तो वो जो आपके पास नोट्स हैं उन्हें एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है, तो नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ें। नोट्स में क्या होता है ना, जैसे देखिए बच्चे ने अपने हाथ से लिखे होते हैं, अगर आप भी कोई चीज अपने हाथ से कुछ लिखती हैं तो आपको पता होता है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो माइंड हमारा एक कंप्यूटर की तरह से, जब आप कॉपी खोलते हैं और ये देखते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में रील खुलनी शुरू हो जाती है, आपको उस पैराग्राफ या उस लाइन के आगे आजू बाजू की चीजें भी याद आ जाती है। तो जो आपने 2 साल में पढ़ा है, एक्यूमुलेट किया है, नोट्स एक्यूमुलेट किए हैं, वो सब लास्ट मोमेंट पे पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट पे आपको करी हुई चीज याद नहीं आए ना, तो फिर उसका बहुत दुख होता है। कोई नई चीज आ गई वो आपकी गलत हो गई, उसमें आपको उतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर 4 महीने पहले बहुत अच्छे से आती थी, हमने उस पर एक्सपर्टीज करी हुई थी, हम उसके मास्टर थे, अब गलत हो गया तो फिर दुख होता जी। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बोरा, तो उसमें फॉर्मूलाज का जिक्र बार बार आ रहा है जी। उसके लिए हमने देखा है कि बहुत तैयारी के बाद भी, और उसमें कोई चॉइस नहीं होती कि अपने हिसाब से आप कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो फॉर्मूलाज को अगर हमें याद करना है या लास्ट तक हमें लगे कि हाँ वाकई हमने तैयार कर लिया है, तो वो थोड़ा समझेंगे आपसे कि फॉर्मूलाज की जब बात आती है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। लेकिन एक कॉलर है कर्नाटका से हमारे साथ, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल यह है कि मैं पीएमटी लिखने के लिए बेंगलुरु जा रही हूँ, फर्स्ट पीयूसी में हम कितने प्रश्न एक्सपेक्ट करेंगे, फर्स्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? देखिए हाँ। दो चीजें हैं इसमें, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ना एक बायस्ड आइडिया छोड़ दीजिए कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक बायस्ड आइडिया लेके चलते हैं, पिछले साल 480 कट ऑफ थी, तो अब मैं उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मेरे 480 आ जाए। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम हर बार नया, इस साल कुछ नया है, हो सकता है पिछले साल 480 गई, इस बार 500 चले जाए या 440 भी चले जाए, क्योंकि आप जब एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो बाकी 3 लाख स्टूडेंट क्या कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम है ना। तो हर क्वेश्चन को जस्टिस करिए, हर क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर देने की कोशिश करिए, जिसको बोलते हैं वाइल्ड गेसेस, तुक्के मारना जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो नहीं करिए। जनरली अगर आप लास्ट कुछ साल के ट्रेंड पूछें, जैसे कि इनका सवाल है, लास्ट कुछ साल के अगर आप ट्रेंड देखें, 475-80 के आसपास कट ऑफ जा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई स्टूडेंट 140 के आसपास अटेम्प्ट करता है, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो 140 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 आ जाएगा, एज्यूमिंग दैट कि कुछ नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि सारा तो होगा नहीं, ठीक, एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, सबसे गलतियां होती हैं, तो वो स्कोर आपका एट पार आ जाएगा। तो 140 क्वेश्चन करना सेफ है, राइट, अभी जो पिछला ट्रेंड चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जी जी जी। तो डॉक्टर वोरा, जैसे हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं, थोड़ा उसी पे वापस लौटते हैं, उसकी अगर मैं तैयारी रखनी कि लास्ट तक वो हमें याद रहे, जैसे मेमोरी का भी एक सवाल बीच में आया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए फॉर्मूलेज के लिए मैंने जैसे बताया कि आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे एक पेपर पे, राइट, ठीक है, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि अभी टाइम खत्म हो गया जी। जैसे क्या है, फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें थोड़ा वो फिजिक्स जैसे होती है, तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उन फॉर्मूलेस को आप लिख लीजिए। आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, फिजिक्स में पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके सबके फॉर्मूले पेपर पे लिखते चले जाएंगे। दो बातें होंगी, रिवीजन भी हो जाएगा, रिटेंशन भी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं आया उस पे सवाल गलत हो गया तो भी गलत है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो अभी 3-4 दिन जो बाकी है उस पे सारा आप एक पेपर पे लिखिए, उसे अपने साथ रखिए। कुछ बातें और भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, जैसे अब एग्जाम से एक दिन पहले भी बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये भी बहुत होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हम सब कुछ रिवाइज करके चले जाएं, तो
मेरी समझ से वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी गलत हो जाती है. एग्जाम से पहले आपको रिलैक्स करना चाहिए, मतलब अगर 3 तारीख को संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को आप 5-6 बजे पढ़ना बंद कर दीजिए. जितना पढ़ना है 5-6 बजे तक पढ़ लीजिए. जी डॉक्टर बोहरा, लेकिन हम बातचीत बंद नहीं करेंगे. कानपुर से कॉलर आई, उनको सुनते हैं. हेलो. हेलो जी, स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में. सवाल पूछिएगा. सवाल ये है कि मेरी बेटी 10th में है, तो उसको मेडिकल प्रिपरेशन के लिए मुझे तैयारी करानी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अभी से कुछ हेल्प हो सकती है. देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आपने बहुत सही समय पर एक क्वेश्चन पूछा है. जनरली आज हम यहाँ इस प्रोग्राम में लास्ट मिनट टिप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके पीछे जाके 2 साल की तैयारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए. बहुत अच्छा रहता है कि बच्चा तैयारी 10वीं के बाद शुरू करे, और बल्कि आजकल तो 9th क्लास से स्टार्ट करे, क्योंकि आपके पास 2 साल होते हैं. 2 साल में आपको हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने का टाइम मिल जाता है. जैसे अब अगर हम 2 साल के लिए बात करें तो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं का 2 साल का काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में 2-ईयर कोर्स होता है. जी. तो अब उस 2-ईयर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी बच्चा जो 10वीं के बाद तैयारी करने की कोशिश कर रहा है 2 साल का कोर्स ज्वाइन कर सकता है. वहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिलती हैं. आप घर पर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट या एक प्रॉपर ट्रेनिंग ज्वाइन करने से होता यह है कि आपको एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम मिल जाता है. दूसरी बात ये होती है कि जब तक आप कंपटीशन फेस नहीं करेंगे तब तक आप इवॉल्व नहीं होंगे. जब तक आप, वो बोलते हैं ना, पानी में उतरोगे तभी तो तैराकी सीखोगे. बिल्कुल सही. तो आपको आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको. वहाँ से आपको एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा जो बिल्कुल वैसा ही होगा जो आप 2 साल बाद फेस करने जा रहे हैं. जी. तो उस तरह से आप राजस्थान से सौरभ हमारे साथ, उनका सवाल सुनते हैं. जी. हेलो. हेलो. हेलो जी सौरभ, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिएगा. हेलो. हेलो सौरभ, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा. आपसे रिक्वेस्ट थी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर दीजिएगा, फिर सवाल पूछिएगा. सर से मेरा सवाल ये है सर. जी. मैं अभी 2-3 बार एग्जाम इसका दे चुका हूँ, लेकिन एंड टाइम मेरे साथ ही होता है. लास्ट मैं साल भर बढ़िया पढ़ाई करता हूँ, लेकिन एग्जाम आते आते मैं जैसे एग्जाम में जाता हूँ 3 घंटे का पेपर होता है, तो शुरू के 2 या 2.25 घंटे पेपर अच्छा होने के बाद मैं 15-20 मिनट के रेंज में फिर सर नर्वस काफी में हो जाता हूँ पेपर के दौरान. मतलब चीज आती आती मैं भूलने लगता हूँ, तो उसके लिए मुझे आप कुछ बताया सर, कैसे कॉन्फिडेंस बरकरार रखता हूँ मैं. देखिए नर्वसनेस क्यों होती है, मैं आपको वही उसी मुद्दे पे फिर से ले आता हूँ. आप कह रहे हैं कि 2-2.25 घंटे हम पेपर को बहुत अच्छे से करते हैं, या तो आप लास्ट मोमेंट पे फिर से कैलकुलेट. देखिए मैंने आपको बताया, एंट्रेंस एग्जाम में कभी बायस मत होइए, क्योंकि जो बहुत अच्छा बच्चा है जिसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सब कुछ मालूम है, उसे पता है कि मुझे 480 या 500 स्कोर करना है, तो वो एक अनचाहा प्रेशर बन गया दिमाग में. 2 घंटे में आपने पेपर किया, उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि मेरा 480 स्कोर नहीं बन रहा, तो आपने वाइल्ड गेसेस मारने शुरू कर दिए कि किसी तरह से स्कोर को मीट कर लो. वो नहीं करना है आपको. जी. आप अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपका 2 घंटे 35 या 40 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए, या 2.5 घंटे में, आइडियल तो 2.5 घंटा ही है. जी. बाकी के आधा घंटा रिवीजन करना चाहिए. कई बार क्या होता है कि बच्चा सवाल करने के बाद उसके नंबर गिनता रहता है, कि जैसे मैंने आपको बताया अभी 140 क्वेश्चन ठीक करने, कम से कम 140 करने. जी. तो वो कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, 130 हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन तो शॉर्ट रह गए, 130 × 4 = 520 नेगेटिव भी होगा, मेरा स्कोर तो आएगा नहीं, मैं बॉर्डर लाइन पे फंस गया. तो ऐसा करने से गड़बड़ होती है. देखिए ये सब ना 3 घंटे का एक माइंड गेम, ठीक है, 3 घंटे का गेम है. कई बार क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, तो उस नर्वसनेस की वजह से आप, या खराब प्लानिंग की वजह से आप बाहर हो जाते हैं. बिल्कुल. पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बॉर्डर लाइन में फंसे ही ना. आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबली उस स्कोर को पार कर जाए. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप बॉर्डर लाइन पे फंस जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट कभी मत करिए. बिल्कुल. तो कुल मिला के जैसे हम कहते हैं गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाइए, फल की कामना नहीं करें उसकी, आप कि कैसा होगा, क्या होगा परिणाम उसका. तो आप 3 घंटे आपको मिले हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अटेम्प्ट कीजिए. ये छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या आएगा, अपनी कोशिश में कोई कोर कसर मत छोड़िए. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वोरा प्रोग्राम में आए. और वाकई आपने जैसा कि कहा कि बच्चे जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लगता है कि कोई अगर गाइड कर दे. दूरदर्शन के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा. जी जरूर. जैसा कि डॉक्टर बोहरा ने कहा, हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको अपने एग्जाम्स के लिए, अच्छे से अपियर होइएगा. तो फिलहाल डॉक्टर बोहरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. बात हुई इम्तिहान की, बात हुई जिंदगी में आगे बढ़ने की, कि चलते रहना चाहिए आदमी को.
ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि जहाँ हमारी जो उपलब्धियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, और इनको अगर और सिंपल तरीके से कहा जाए तो अवार्ड्स जो हैं उनका जो है जीवन में अपना महत्व है। आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे अगर सराहा जाए, प्रशंसा मिले तो अच्छा लगता है। तो हम आपको अब दिखाते हैं मातृश्री अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सराहनीय और उल्लेखनीय कार्यों के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं पत्रकारों को। तो मातृश्री पुरस्कार दिए गए और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, जो हम सब जानते हैं सांसद भी हैं। आइए देखते हैं। अवार्ड्स हमने देखी उनकी ये झलक, और इसी के साथ गुड इवनिंग इंडिया के आज के अंक में मंडे एडिशन में आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल नमस्कार।